भाजपा के द्वारा जारी पहली सूची में 78 नाम आने के बाद भाजपाइयों में जहां खुशी दिखाई दे रही है, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस की नेताओं ने भाजपा के उम्मीदवारों पर जीत को लेकर सवालिया निशान लगा दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश वरलियानी ने साफ कहा कि जिन प्रत्याशियों के नाम भाजपा ने तय किए हैं, उनसे प्रदेश में भाजपा का 65 प्लस का टारगेट महज 20 में ही सिमट कर रह जाएगा। वरलियानी ने कहा कि 15 सालों के राज में भाजपा ने कमीशन खोरी के अलावा आम जनता को केवल छलने का काम किया है। अब जनता जाग गई है और भाजपा का पत्ता साफ होना तय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सूची निकली है, उस पर कांग्रेस पार्टी की एक ही टिप्पणी है कि इसमें कमीशन खोर और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को टिकटें दी गई हैं। ये अमित शाह का 65 प्लस नहीं है, ये 20 प्लस में रह गया है। जिस ढंग के नाम आए हैं, उसे आम छत्तीसगढ़ में ये चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार वैसे भी नहीं आनी थी, अब वो 20 तक भी सिमट जाएगी, वही बचा ले इज्जत, तो वही बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर जो छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि रमन सिंह की विदाई तय है, उनके टिकट वितरण से ये स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है और ऐसे लोगों को रिपीट किया है जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिनके प्रति तीव्र असंतोष है। इसका परिणाम आपको 11 दिसंबर को देखने मिल जाएगा।